स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूबरेज कॉर्पोरेशन पर। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, आप कैसे भारत से मेक्सिको एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मेक्सिको फ्रॉम इंडिया। सो मेक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है जो नॉर्थ में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनका बेलीज है और ग्वाटेमाला जो उनका नेबरिंग कंट्रीज है, और गल्फ ऑफ मेक्सिको जो सी है ईस्टर्न पार्ट में है, और पैसिफिक ओशन है उनका जो वेस्टर्न पार्ट में है। सो ये है मेक्सिको, उनका जो राजधानी है मेक्सिको सिटी, उनका कैपिटल है मेक्सिको सिटी। उनका जो पॉपुलेशन है करीब 12 करोड़ 62 लाख उनका पॉपुलेशन है, करीब 900 इंडियंस वहाँ रहते हैं काम करते हैं, और करीब 1 लाख एशियन लोग फ्रॉम चाइना और इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज से और ईस्टर्न एशियन कंट्री से जाके वहाँ बसे हुए हैं। सो 900 इंडियन से 1 लाख एशियन लोग हैं और करीब 12 करोड़ 62 लाख वहाँ का पॉपुलेशन है। इंडिया का जो कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का वहाँ ऑफिसर्स है, और काफ़ी सारा जो मेक्सिको जो काफ़ी सारे आउटसोर्सिंग करता है अमेरिका के लिए, आउटसोर्सिंग कंपनीज आईटी कंपनीज वहाँ लोकेटेड हैं। और मेक्सिको का इकोनॉमी हाई डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि काफ़ी सारे मेक्सिको से लोग जाके अमेरिका से काम करके जो अपने जो मेक्सिकन जो डियास्पोरा है मेक्सिको में काम करके मेक्सिको से जाके अमेरिका में कनाडा में काम करते हैं और वहाँ से कमा के मेक्सिको में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आजकल धीरे धीरे मेक्सिको का इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है। सो मेक्सिको का जो सिटी है कैपिटल है मेक्सिको सिटी, उनका जो कैपिटल है मेक्सिको सिटी, और उनका करेंसी है मेक्सिकन पेसो, जो 1 मेक्सिकन पेसो इंडिया का करीब 3 रुपया 66 पैसा 3.66 रुपीज बनती है। काफ़ी इंडिया के काफ़ी आगे है, तीन गुना ज़्यादा है उनका जो इकोनॉमी है। और मेक्सिको का लैंग्वेज है स्पेनिश। अगर फ्यूचर में आप मेक्सिको जाओगे फॉर मार्केटिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन, आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, वहाँ स्पेनिश बोला जाता है। तो अगर मेक्सिको आप जाओगे इन फ्यूचर फॉर मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, आप मेक्सिको में लोकली कोई लड़का या लड़की कोई भी मेल फीमेल आप हायर कर सकते हैं पर आवर बेसिस, जो जिसको स्पेनिश आता है, जो आपको मदद कर सके मेक्सिको में मार्केटिंग करने के लिए फॉर आपका प्रोडक्ट के लिए। अभी हम बात करेंगे मेक्सिको का जो पोर्ट के बारे में, मेक्सिको का एयरपोर्ट के बारे में। सो मेक्सिको का सी पोर्ट्स कौन है आपको बता रहा हूँ मैंने द लिस्ट ऑफ। तो मेक्सिको का 5 मेजर सी पोर्ट्स है आप देख सकते हैं। सो 5 मेजर पोर्ट्स है, द पोर्ट ऑफ माजानिलो, पोर्ट ऑफ वेरानूस, ये जो है 5 उनका पोर्ट है, ये स्पेनिश नेम है आप देख सकते हैं। और उनका करीब एयरपोर्ट है 50 बिजेस्ट एयरपोर्ट है मेक्सिको में, 50 बिजेस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन उनमें से 10 एयरपोर्ट जो है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो आप यूज करोगे फॉर एयर कार्गो, आपको दिखा रहा हूँ मेक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मेन है, ये मेन इनका एयरपोर्ट है, काफ़ी सारे 50 एयरपोर्ट है, लेकिन मैं आपको 10 एयरपोर्ट्स दिखा रहा हूँ और 5 सी पोर्ट दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो इसमें से अगर एयर कार्गो आप करोगे तो मेक्सिको सिटी का जो मेक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप एयर कार्गो के लिए यूज कर सकते हैं। और कितने सारे एयरपोर्ट्स एयरलाइंस मेक्सिको ऑपरेट करता है उसको मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। और सी पोर्ट के लिए आप कार्गो कंपनीज आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या cargoport.com में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। cargoport.com में सर्च करके आपको इंडिया टू मेक्सिको उनका जो प्राइस है, सी कार्गो का प्राइस है, कंटेनर का प्राइस आपको मालूम पड़ जाएगी। और एयरलाइंस जो ऑपरेट करती है उनका डिटेल्स मैं दिखा रहा हूँ नीचे। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ जो द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस एयर कार्गो ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू मेक्सिको आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे द टॉप प्रोडक्ट मेक्सिको इम्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, वो कौन सा टॉप प्रोडक्ट्स है जो मेक्सिको वर्ल्ड वाइड दुनिया भर से इम्पोर्ट करता रहता है आप देख सकते हैं। टॉप प्रोडक्ट में आता है पेट्रोलियम गैस, सो कॉर्न है, रॉ एल्यूमिनियम है, सोयाबीन है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, मिनरल फ्यूल, प्लास्टिक गुड्स है, प्लास्टिक आर्टिकल्स है, ऑप्टिकल टेक्निकल मेडिकल अपेरल्स, मशीनरी, मिनरल फ्यूल, प्लास्टिक है, सो आयरन स्टील है, ये जो है मेन प्रोडक्ट है जो मेक्सिको दुनिया भर से इंपोर्ट करता रहता है। अभी आपको बताऊंगा द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू मेक्सिको,
तो कौन सा प्रोडक्ट इंडिया का एक्सपोर्टर्स जो मेक्सिको को एक्सपोर्ट करते रहते हैं वो लिस्ट हमारे पास है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सो द प्लास्टिक है मेन प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक है, सिरामिक प्रोडक्ट है, टैनिंग और डाइंग एक्सट्रैक्ट, टैनिंग से आयरन इंडस्ट्रील है, व्हीकल एंड अदर देन रेलवेज और ऑर्गेनिक केमिकल है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मशीनरी अल्मीनियम प्लास्टिक है, सिरामिक प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ टिन है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट है, काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है मेक्सिको को। तो हमारे पास काफी बहुत सारे इंपोर्टर्स का सॉरी इंडिया का जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते रहते हैं मेक्सिको, बहुत सारे लिस्ट है। तो मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से पूरा कॉपी पेस्ट करके आपको प्रोडक्ट क्या है देख लीजिए, फिर उस हिसाब से आप तैयार हो जाइए क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे मेक्सिको को। अभी हम बताएंगे कि मेक्सिको का इंपोर्टर्स कौन है, बायर्स कौन है, ट्रेडर्स कौन है, होलसेलिंग कंपनीज कौन है और सुपरमार्केट्स जो वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करते रहते हैं, कुछ कंपनीज का डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो है ये है कुछ कंपनीज है, ये स्पेनिश नेम है, आप देख सकते हैं, द लिस्ट ऑफ होलसेलर सुपरमार्केट्स बायर्स इंपोर्टर्स ऑफ मेक्सिको। तो ये है ट्रेडिंग कंपनीज है, चेदारुई नेवेओ सुपरला, ये स्पेनिश नेम है, आप देख सकते हैं। ये डिटेल्स आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इस जितने सारे कंपनीज का लिस्ट है, आप हमारे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, फिर आप गूगल में इन कंपनीज को वन बाय वन लिख के पेस्ट करके आप सर्च करिए, फिर उन कंपनी का वेबसाइट आपको दिखाई देगा, वेबसाइट का कॉन्टेक्ट अस पेज में जाइए और उनका जो ईमेल आईडी कॉपी करके आप उनको ईमेल करिए कि आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आपका प्रोडक्ट। जब आप उनका वेबसाइट सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये कंपनी किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उनको लिखिए कि आप उनको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका प्रोफाइल अगर मेक्सिको आपका टारगेटेड कंट्रीज है तो आपका प्रोफाइल होना चाहिए स्पेनिश एंड इंग्लिश। उनका काफी सारे लोग उनको इंग्लिश नहीं आता है, स्पेनिश बोलते हैं, तो आपका जो प्रोफाइल को आप स्पेनिश एंड इंग्लिश में बनाइए, ये अच्छा होगा। आपका जो वेबसाइट आप मल्टी लैंग्वेज में बनाइए, यानी कोई भी वर्ल्ड का जितने गूगल में ऑप्शन है, आप कोई भी वेब डेवलपर वेब डिजाइनर को आप कॉन्टेक्ट करिए, आपका वेबसाइट को बड़ा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएगा विथ मल्टी लैंग्वेज, ताकि मेक्सिको या कोई भी कंट्रीज में कोई भी इम्पोर्टर्स क्लिक करके लैंग्वेज चेंज करके आपका प्रोडक्ट आपका कंपनी के बारे में उनको पता चल सके। जैसे कि आपका अगर मेक्सिको का कोई इम्पोर्टर्स है वो आपको वेबसाइट में जाके इंग्लिश टू मेक्सिकन या स्पेनिश लैंग्वेज चेंज करके स्पेनिश लैंग्वेज में आपका वेबसाइट पढ़ सकता है, इसीलिए आपका वेबसाइट को आप मल्टी लैंग्वेज में हमेशा बनाइए। अभी हम बताएंगे द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ मेक्सिको। और इतने सारे जो वेबसाइट है जो मेक्सिको का जो वेबसाइट जो बिजनेस डायरेक्टरीज है और उनका येलो पेजेस है, उनका B2B ट्रेड पोर्टल्स है, काफी सारे उनके पास साइट्स है, जो साइट्स में आपको जाके आगे जाके इन साइट में आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए। कुछ साइट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, येलो पेजेस city.com आप देख सकते हैं। तो ये जितने सारे आपको साइट में दिखा रहा हूँ, वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये है येलो पेजेस, B2B ट्रेड पोर्टल्स, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ मेक्सिको। ये काफी सारे साइट जो है स्पेनिश लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। आप इन साइट को मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हर साइट को पूरी साइट को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, फिर आपका कंप्यूटर में आप हर साइट को लॉगिन करिए, लॉगिन करके आपका साइट का टॉप राइट में रजिस्टर करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, रजिस्टर करके आपका कंपनी लिस्ट कर दीजिए, लिस्ट करने के बाद आपका कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट करिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करिए, प्राइसेस फोटोज वगैरह ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी का प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, तो वन बाय पूरी साइट में कर लीजिए हर साइट में, क्योंकि ये मेक्सिकन सर्च इंजिन से मेक्सिकन पेपर डॉक्यूमेंट मेक्सिकन आपका जो ट्रेड पोर्टल से, तो अगर आगे एक बार आप लिस्ट करोगे तो लाइफ लॉन्ग ये लिस्ट उस साइट में रहेगा और वर्ल्ड वाइड वेब में रहेगा, WWW जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें रहेगा। इसीलिए
आप हमेशा जितने सारे में एक्सपोर्ट हमारा जितने सारे वीडियो में बना रहा हूँ, जितने सारे साइट आपको बता रहा हूँ, हर साइट्स में आपका कंपनी को आप लिस्ट करिए। जितने सारे जितने लिस्ट आप करोगे उतने आपके लिए फायदा है, क्योंकि आगे के लिए वो काम आएगा। तो रजिस्टर करने के बाद मेक्सिको में जब वहाँ का जो इम्पोर्टर्स ट्रेडर्स है वहाँ जब सर्च करते हैं तो आपका इंडियन कंपनी उनको दिखाई देगा। इसीलिए हर साइट में ये जरूरी है, हर साइट में आप जाके रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर सकें। और आपका कंपनी का जो वेबसाइट को चेंज करिए, हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाइए, मल्टी जो बड़ा जो ई कॉमर्स साइट जैसा बनाइए। और साइट कोई भी आप कंपनी को आप जो है वेब डेवलपमेंट कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए और डिजिटल कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। तो वेबसाइट को बड़ा साइट बना के आपको वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका साइट को मार्केट करेगा वर्ल्ड वाइड, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सके। ये डिटेल्स आपको मैं बता दिया मेक्सिको के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मेक्सिको, डिटेल्स आपको बता दिया। और अगर आप एक एक्सपोर्टर हो और आपका जो कंपनी आप कोई भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, या आप एक नया एक्सपोर्टर हो, तो हमारा जो इस चैनल में हमने काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड जितने सारे देश है करीब हर कंट्रीज का हम बना चुके हैं। तो आप हमेशा यूट्यूब में ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन सर्च करिए, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आप यूट्यूब में सर्च करिए, ताकि आप हमारा जितने सारे वीडियोस आपको मिल जाए, आप वन बाय वन कंट्रीज में आप कंट्री का वीडियो में चेक करके आप एक्सपोर्ट डिटेल्स देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं। हमारा एक वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया, हमारा एक पुराना वीडियो है, आप उन वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, आप यूट्यूब में आप हमारा जितने सारे वीडियो सर्च करके देख लीजिए, ताकि आपको वर्ल्ड वाइड हर कंट्रीज का कैसे हर कंट्रीज में कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में आपको डिटेल्स मालूम पड़ेगा। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए आपके दोस्त के साथ, ताकि इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन किसी को काम आ जाए। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।